गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये जो बेडशीट मैंने बिछाई है बेड पे, ये मेरी एक फ्रेंड है रीमा दी, उन्होंने गिफ्ट करी है। सो मैं आज इसका साइज़ और ये सब चेक कर रही थी कि कैसी है, लेकिन परफेक्ट फिट आई है वो बिल्कुल। क्या बना रही है ये? टाइम टेबल। सारा अपने रूम में बैठी हुई है, वो अपना टाइम टेबल बना रही है। वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है ऑलवेज़। और अर्जुन, मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह बिछा दी और अर्जुन ने फिर बिखेर दिया, तो वो दोबारा सेटिंग कर रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज जो हुआ है क्या कि मेरी जो बाथरूम चप्पल है वो टूट गई है। ये देखिए, ये टूट गई है। तो अभी अर्जेंसी में जो है इसको नई लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम चप्पल का मैं स्टॉक अपने पास नहीं रखती हूँ। और अभी मैं अमन जी के साथ जो है वो बाथरूम चप्पल लेने जा रही हूँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ। चलें, आ जाओ। दिखा दो एक मिनट, साइज देख ले। साइज तो परफेक्ट है, ये 7 पहले मैंने ये वाले जो स्टोन्स वाले थे ये लिए थे, लेकिन इसका स्टोन निकल गया तो मैं वापस करके फिर दोबारा दूसरे लेके आई। नहीं, ये तो खुली है, वो लूज है, मतलब वैसे साइज में छोटा नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ना इसकी, ये लूज है, फिटिंग नहीं है इसकी। ये तो मैंने पहले पहन लिया, अब मैंने नहीं ये दोबारा लेनी, सेम नहीं चाहिए मेरे को। क्या? और चप्पल ये सेम टाइप ही थी ना वो मेरी। नहीं नहीं, इधर देखो, चप्पल इधर देखो, इसमें लगा 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 लगा। ये साइज एक नंबर बड़ा है। नहीं 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 नहीं, ये खुल जाएगी और भी ज्यादा। नहीं, कलर वही अच्छा लग रहा है, कलर वो नहीं नंबर बड़ा नहीं यार। ये साइज सेम है, छोटा है उससे, छोटा है देखने में तो वो भी बड़े। हाँ, आगे से चेंज करने के बाद मैंने ये वाले फुटवेयर्स लिए थे, रेड वाले नहीं, दूसरा कलर। ये अच्छी लग रही है पहनी, साइज चेक कर लो अपना, ये बड़ी नहीं लग रही क्या? ठीक है। वैसे भी देखने में फैंसी लुक ही दे रही है। सारी सहेलियां मुझे ही लाएगा आपसे। ये सहेलियों का मतलब नहीं है, मैं कंफर्टेबल होनी चाहिए। स्मार्ट बॉब लग रहा है। ये स्टोन्स नहीं निकलने चाहिए बस ना। बेफिक्र रहो। बहुत ज्यादा।
फाइनली हम लोग घर पे वापस आ गए और आज फिर से मच्छर मारने वाली जो स्प्रे है वो हो रही है हमारे नीचे पार्किंग एरिया में। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल पराठा विद चटनी एंड मक्खन। सबका ब्रेकफास्ट जो है वो हो चुका है, सिर्फ मैं ही बाकी रह गई थी। मैंने सबको करवा के उसके बाद में मैं खा रही हूँ। आज सब्ज़ी के लिए अमन जी लेके आए हैं पनीर, और मैं पनीर और शिमला मिर्च की मिक्स करके भुर्जी बनाने वाली हूँ। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो मेरे पास खड़ी होके देख रही है कि मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ, और वो मेरे से सीख रही है और सब कुछ पूछ रही है कि दीदी आप क्या कैसे बनाते हो। एक्चुअली उसको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो और वैसे भी उसने अभी किसी के घर पर खाने का काम भी पकड़ा है, तो वो मेरे से जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ उसको रहता है कि मैं एक बार सीख लूँ दीदी से भी कि कैसे बनाती हूँ मैं। इसका तो पानी लोग पीते हैं, कई लोग धनिया को उबाल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बस मेरा जो ब्रेकफास्ट का काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। अभी मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख के आ गई हूँ। थोड़ा सा मसाला उसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद में मैं उसमें पनीर ऐड कर दूंगी। आज मैं पनीर और शिमला मिर्च की जो भुर्जी वो है वो मैं बना रही हूँ। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक आप सबको। और बस अभी सफाई का जो काम है वो चल रहा है, सो अभी बस मैं अभी उसमें जाके पनीर ऐड कर दूंगी। और कल मैं गई थी मार्केट, थोड़ा सा मैं पहले जो मैं फुटवेयर लेके आई उसकी मैंने आपको दिखाया कि मैं कौन से लेके आई थी, लेकिन हुआ क्या कि उसका जो स्टोन था वो निकल गया और ऊपर से वो उतर गया। सो फिर मैंने क्या किया कि मैं दोबारा फिर से मार्केट गई और मैं उनको चेंज करवा के लेके आई हूँ। और फिर मैंने चेंज करवा के दूसरी चप्पल ले ली, और एक मैंने शूज़ परचेज़ किए वहाँ से, और एक आधी मैंने ड्रेस ली वहाँ से। बस गई तो थी ऐसे ही एक चीज़ लेने ले आई हूँ, तीन चार सो और अमन जी की भी चप्पल लेने वाली थी तो उन्होंने भी दो पेयर उन्होंने लिए। तो आज अभी तक तो बस यही रूटीन चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए मैं बना लूँ फटाफट सब्ज़ी, उसके बाद में आपसे मैं मिलती हूँ। आज का लंच जो है वो हो गया है प्रिपेयर, और कल के लिए, कल बच्चों का स्कूल है, आज उनकी ईद की छुट्टी थी बच्चों की, तो तीन दिन से उनको ऑफ चल रहा है, कल से वो स्कूल जाएंगे, सो बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाऊंगी मैं भी। और वो लेके आए हैं मटर पनीर। ओके, कल बनेगा मटर पनीर, खीरे, टमाटर, एप्पल, बनाना और नींबू, ये सब चीज़ें जो हैं अभी भी मैं इनको जाके संभालूंगी इनकी जगह पे। और कल स्कूल जाना तो उनके आज टिफ़िन वगैरह सब कुछ जो है वॉश करके दोबारा फिर से उनको मैं सेटिंग करके उनकी सब चीज़ों की रखूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी लास्ट क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैंने वो सारा सामान वगैरह जो था वो सब संभाला। उसके बाद में बस फिर मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन करे, और उसके बाद में फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह बिछाई, और उसके बाद में मैं नहाने गई।
नहा के आने के बाद मैंने सबके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर किया, चपाती बनाई मैंने, उसका भी मैंने आपके साथ एक क्लिप जो है वो शेयर किया है। सो उसके बाद में मैंने उन सबको लंच करवा दिया, उन सबको मीन्स अभी अर्जुन ने जुनू, यानी उसको मैं अर्जुन को मैं जुनू बोलती हूँ, तो जुनू ने भी लंच कर लिया और अमन जी ने भी लंच कर लिया। सारा जो है उसने पहले थोड़ी देर पहले दूध के साथ चोकोस जो है वो खाए थे, तो अभी वो खाना नहीं खाया उसने और वो थोड़ी देर लेटी हुई थी रूम में बैठे बैठे, वो सो गई है। और अर्जुन जो है वो अभी रूम में बैठ के अपना स्टडी कर रहा है। और मैंने अभी अभी जस्ट अपना लंच ख़त्म किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो आज मैंने लंच किया है, लगभग 3-3:30 बजे के आसपास मैंने आज अपना लंच जो है वो फिनिश किया है। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, और जब मैं पानी पी लेती हूँ बार बार तो वो जो भूख है वो मिट जाती है। सो अभी फाइनली मैंने जो है अपना लंच ख़त्म कर दिया है और अभी मैं आई थी किचन में अमन जी के लिए चाय बनाने के लिए। अभी भी वो बन रही है, मैंने उसको गैस पे रखा हुआ है, सिम करके फ्लेम को मैंने थोड़ा लो कर दिया है। सो अभी आज का ये था आपके साथ, मैंने जो शेयर किया आपके साथ ये आज का था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो है वो मिल सकें। और उसके लिए आपको उसके साथ वाली जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। एंड हाँ, वंस अगेन ईद मुबारक आप सभी को, मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक।